और अगर किसी की मौत लिखे हुए है, वो मैदान जंग में भी ना जाए और अपने घर में बैठे हुए, तो मेरे दोस्तों उन सूरतों में वो अपने आइन मौका पर जाकर पहुंच जाते हैं जहां उसकी मौत होना है। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله مولانا العظيم. मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग और मेरे सामीन इकराम और मेरे नौजवान भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने एक आयात पढ़ा हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब अलैहिस्सलाम की तारीफ़ फरमाई है कि अल्लाह की फ़जल से आप नहायती नरम दिल, नहायती नरम दिल, शफीक और मेहरबान हैं और अपने सहाबा के साथ हुस्न सलूक फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले जो आयात इस सूरत के अंदर गुजर चुके हैं, सूरत आल इमरान के अंदर गुज़श्ता आयात में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को खबरदार किया है, अहले ईमान को खबरदार किया है कि काफिरों के साथ मुशाबहत ना करें, काफिरों के साथ मुशाबहत ना करें, वो तुम्हें बुज़दिल बनाकर दीन इस्लाम से बर्खास्ता करना चाहते हैं और जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के अख्तियार में है। अगर कोई बंदा जहाद में शरीक होते हैं, लाजमी नहीं है कि वह शहीद हो जाए, बल्कि अगर उसकी जिंदगी बाकी है तो वह मैदान जंग से वापसी भी आ जाते हैं, वो जिंदा सलामत मैदान जंग से वापसी आ जाते हैं। और अगर किसी की मौत लिखे हुए है, वो मैदान जंग में भी ना जाए और अपने घर में बैठे हुए, तो मेरे दोस्तों उन सूरतों में वो अपने आइन मौका पर जाकर पहुंच जाते हैं जहां उसकी मौत होना है, अपने कातिलगाह पर जाके कतलगाह पर जाकर पहुंच जाता है और वो कत्ल हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये भी याद दिलाया कि अगर वो राह खुदाबंदी में शहीद हो गए तो अल्लाह ताला की मेहरबानी उनकी शामिल हाल होगी और दुनिया की इस माल मता से ज्यादा बेहतर उनके लिए अल्लाह ने इंतजाम की हुई है। जैसे लोग अपना जिंदगी भर इकट्ठा करते हैं, माल कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, तिजारत करते हैं ना, हर किस्म की कारोबारों में जितने भी कारोबार की हो अपने माल और मता जमा करते हैं, इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए आखिरत में बना कर रखी हैं और ऐसे चीज़ ऐसे नियामतें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बना कर रखे तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो, जिसकी नियामतों की गिनती नहीं कर सकते हो, बेशुमार नियामतें।
اور اگر تمہارے موت ہوگی تو یقیناً تمہارے گھر پر آ جائے گی موت، برحق ہے۔ اگر کوئی طبیعی موت سے مرے یا راہ حق میں شہید ہو جائے تو سب کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے۔ طبیعی موت سے کوئی بندہ مر گئے، اس کی زندگی 50 سال ہو گئے اور وہ گھر میں بیمار ہوا، انتقال ہو گئی طبیعی بیماری سے، طبیعی موت، یا رات کو سویا تو انتقال ہو گئی، یا اللہ کی راستہ میں جہاد کرتے ہوئے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جو شہید ہو گئی وہ بھی، اور جو طبیب موت اس کی ہوتی ہے، وہ سب کے سب ایک جگہ اللہ کی وہاں جمع ہونا ہے۔ کل کو سب کو ایک جگہ پہ جمع ہونا ہے۔ تو تمہارے بہتری کی وافر سامان موجود ہے، لہذا موت سے گھبرانا نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ تیار کر کے رکھے ہیں۔